अभी आप ये पंडाल जो देख रहे हैं, मैं अभी परिहार के परिहार ठाकुर बाबा के प्रांगण में हूँ। यहाँ हर साल की भांति इस साल भी गणपति पूजा का आयोजन किया गया है। बस अभी कुछ ही देर में यहाँ पे 2151 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा प्रारंभ होने वाली है। सो आप देख रहे हैं सारे श्रद्धालुगण आए हुए हैं। चलते हैं, थोड़ा आपको हम मंदिर का दर्शन करवाते हैं परिहार ठाकुर बाबा का। आप लोगों की कोई भी अगर समस्या हो, कोई भी अगर समस्या हल नहीं हो रहा है, एक बार यहाँ पे आके मन्नत मांगे ठाकुर बाबा के प्रांगण में, इस मंदिर में आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। जी हाँ, मैं रोशन, आप देख रहे रौनी टाइम्स, रौनी टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं आप लोगों को हम विशेष आज का कार्यक्रम कलश यात्रा दिखाते हैं। हाय गाइस, आप देख रहे हैं परिहार से 18 साल से पंडित यहाँ पे चल रहा है। सो परिहार के गणपति पूजा का अभी कलश यात्रा प्रारंभ हो चुका है। फाइनली आप देख रहे हैं, तो हाय, अभी परिहार में कलश यात्रा निकल चुकी है। आप देख रहे हैं पूरी प्रशासन भी मुस्तैद है कि कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ अनहोनी ना हो इसके लिए। अब आपको मैं अभी परिहार बाजार की ये स्थिति है, आप देख लीजिए ये स्थिति है यहाँ की। और जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। आप देख रहे हैं दरोगा सर राजकुमार गौतम जी, आप फिलहाल चलिए दिखाते हैं। ये कृष्णा जी हुए, आप देख रहे हैं सुनील जी हुए। श्रद्धालु द्वारा शरबत का कार्यक्रम चल रहा है इधर, जितना हो रहा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे डॉक्टर साहब जितेंद्र जी अपने पूरा साथ दे रहा है कलश यात्रा में, घोड़े के साथ 2151 कन्याओं के साथ कलश यात्रा निकल चुकी है। अभी परिहार बाजार में हूँ मैं, देखिए इधर दिखा दूँ, यही बाजार लगता है। और ये परिहार बाजार का महादेव मंदिर है। इधर ग्रामीण लोग सब सोच, देखिए इधर घोड़े के सवारी के साथ मस्त डॉक्टर साहब हमारे खिलखिलाते हुए डॉक्टर साहब मस्त, बहुत अच्छा। गणपति का कलश यात्रा परिहार से अभी सरगामा पोखर की तरफ जाते हुए, फिलहाल मैं अभी ढामी टोल चौक पर हूँ। से देखिए पुलिस कर्मी भी है, क्योंकि कोई असामाजिक तत्व तो कुछ किसी तरह का तो 2151 कन्याएं है। सो हमारे यहाँ ढामी टोल के मेहनती लड़के सब एकदम पानी पिलाते हुए एकदम पिला रहे हैं। हाँ, ढामी टोल के एकदम मेहनती लड़के हैं, और कितना मेहनत कर रहे हैं गणपति बापा, इन लोगों को भी जो मनोकामना है बिल्कुल बिल्कुल मनोकामना पूर्ण करे। हाँ, सो आपको दिखा रहे हैं लंबी लाइनें, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लंबी लाइनें, देखिए कितनी लंबी लाइनें हैं। 2151 कन्याओं के साथ आप समझ सकते हैं। Yes,
सो फिलहाल मैं अभी ढामी टोल 4 लाइन पे हूँ और यहाँ से आप देख रहे हैं सहरगामा की तरफ कलश यार्ड चुका है और कलश पानी है वो भराएगा। ये सहरगामा महादेव मठ है और फाइनली यहाँ पे मेला लगा हुआ है। देखिए फाइनली कुछ भाई लोग हाइक कर रहा है, आपको हम चलते हैं पोखर की तरफ। इसमें तालाब के चारों तरफ आप देख रहे हैं और अभी जो पूजा पे बैठे हो उनका वेट हो रहा है। बाकी 2151 कन्याएं इस कलश यात्रा में भाग ली हुई है। देखिए चारों तरफ देखिए त्रिशूल के साथ बस बस बस। अरे पंडित जी विवेकानंद जी महाराज एकदम पूरे जोशो पूरे हौसला और जोश के साथ हमारे विवेकानंद जी एकदम एनी टाइम तैयार रहते हैं पूजा के लिए। सो आप देख रहे हैं यहाँ जो पूजा पे बैठे वाइफ को फीट आ गया है से। आराम से धीरे धीरे जाइए धीरे धीरे मोटरसाइकिल ना छोड़ो ना वो कभी याद है। जी जी दूसरा कोई कलसा ले लेगा छोड़। एक आदमी रखिए ना हाथ में रखाएगा ले लीजिए दूसरा कोई कोई पकड़ ना कलसा पकड़ चलिए फाइनली हो गया ठीक और बाइक से जा रहे हैं।